Hello, this is Osama Iqbal and you're watching another brand new episode of my channel and today we'll be discussing the four modes of building muscles. Normally, बहुत सारे लोग के बाद बहुत सारे youngsters के बाद पूछते हैं कि हम लोगों ने game start कर ली है, exercise हम लोग कर रहे हैं, gym जा रहे हैं, weight लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा जो है वो हमें progress feel नहीं हो रही है. तो जिन चीज़ों के अंदर वो गलतियाँ कर रहे होते हैं, बहुत सारी mistakes उनकी हो रही होती हैं, जिन चीज़ों का उनको idea भी नहीं होता, तो आज हम उन चीज़ों के बारे में discuss करेंगे. मैं आपको वो four modes के बारे में बताऊँगा जिनको हम अपनी exercise की routine के अंदर add करके अपनी डिजायर जो हमारा गोल है, बॉडी गोल, हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मेरे सेम नेम के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So the point number one is more or progressive overload of weights and reps. कभी भी जब आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, खासतौर पे यंगस्टर्स जब वो अपनी और न्यूबीज जब वो अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जिम में जाते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि जो हमसे पहले वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं हम उनको देखें और उनका वो बहुत ज़्यादा वेट लगा रहे हैं तो हम भी उस वेट को जो है वो उस लेवल को मीट करने की कोशिश करते हैं. वो तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी. सबसे पहले तो आपने अपनी बॉडी के हिसाब से अपना वेट जो है वो आपने इंक्रीज़ करना होता है. आप स्लो, आप छोटे वेट से स्टार्ट करते हो और उसके बाद आप स्लोली स्लोली आप ज़्यादा वेट के ऊपर जाते हो, जो कि सबसे बेहतर जो सा वे आपका वेट्स को इंक्रीज़ करने का वो आपका यही होता है. और सेकंड थिंग है कि जब भी आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ जाना था तो उसके अंदर तीन डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है. फर्स्ट थिंग है कि आपके सेट्स जोन से हैं उनकी जो आपकी रेपिटेशन है वो आपके सेट्स जोन से हैं, वो आप कितने लगा रहे हो सेट. आप कुछ लोग जो हैं वो दो सेट्स लगाते हैं, उनके जो हैं वो उस दो सेट्स के अंदर उनके रेप ज़्यादा होते हैं. कुछ लोग तीन लगाते हैं, कुछ लोग चार सेट्स लगाते हैं एक एक्सरसाइज के. तो सबसे पहले आपका सेट जोन्स है वो आपने डिटरमिन करना है और वो आपने आहिस्ता आहिस्ता से उसको आपने इंक्रीज़ करना होता है. आप छोटे से स्टार्ट करोगे और आप ज़्यादा सेट्स की तरफ जाओगे. सेकंड थिंग है इसके आपने जो वेट्स लगाने हैं, जो आपने वेट यूज़ करना है, वो वेट जो है वो आप कितना स्लोली इंक्रीज़ कर रहे हो कि आपने अपनी, जिस तरह से अगर मैं आपको किसी एग्जांपल दूं कि आपने अपना 60 डेज़ का आपने अपना प्लान बनाया, तो 60 डेज़ के प्लान के अंदर आप उसको इस तरह से रखोगे कि फर्स्ट 2 वीक्स जो होंगे आपके स्टार्ट के, उसके अंदर आप अपने वेट्स जो उनसे हैं वो आप सबसे कम रखो और उनको कॉन्स्टेंट रखो कि आपके उन 2 वीक्स के अंदर आपके वही वेट्स चलेंगे. नेक्स्ट अपने 3rd वीक के अंदर आप उस वेट्स को 1 से 2 kg बढ़ा सकते हो. 4th वीक के अंदर आप उसको मजीद आप उसको 1 से 2 kg बढ़ाओगे और इस तरह से आप अपने 60 डेज तक जाओगे जो कि आपके 8 वीक्स बनते हैं. तो इन 8 वीक्स के अंदर आप अपना जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आप उससे तकरीबन डबल से ज़्यादा वेट अपना कर सकते हो. और उसके अलावा रेप्स होते हैं, सेट्स होते हैं और आपका वेट होता है. इन तीन चीज़ों को आपने डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आपने यूज़ करना होता है ताकि आप अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला एक जो लेवल है आपका आप उसको मीट कर सको. You have to make sure that you are eating in a caloric surplus to see the results. Because आप अगर अपना वेट गेन करना चाह रहे हो, आप अपना मसल गेन करना चाह रहे हो, तो मसल गेन करने के लिए आपको आपकी डाइट के अंदर अपने आप को कैलोरिक सरप्लस पे रखना पड़ता है. आपको जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा था कि आपके पास 8 वीक्स का अगर आपके पास एक प्लान है तो आप उसके अंदर अपनी कैलोरी सरप्लस पे लेके जाओगे. आप 1 वीक के अंदर जितनी आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो आप नेक्स्ट वीक के अंदर आप उससे कुछ ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करोगे, 3rd वीक में आप कुछ ज़्यादा करोगे. तो जब आप इस तरह से अपनी कैलोरीज की इनटेक को ज़्यादा करोगे थ्रू आउट योर प्लान, अगर वो आपका जितनी भी देर का है, 1 महीने का है या आपका 2 महीने का है या इससे ज़्यादा का है, तो जैसे जैसे आप अपनी कैलोरी सरप्लस को आप लेके जाओगे, मोर कैलोरीज इनटेक रखोगे अपनी इस पूरे टाइम के अंदर, तो आपको उस चीज़ का बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा. थर्ड पॉइंट इज मोर वाटर इनटेक. अब इसके अंदर ये होता है कि बहुत सारे ऐसे जो हैं वो जिम में जाने वाले लोग होते हैं जो जिम में जाएंगे, अच्छी खासी हार्ड ट्रेनिंग करेंगे और वो कुछ लोगों ने ऐसा उनको कहा होता है कि जी आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने पानी जो उनसे है उसके दौरान बिल्कुल नहीं पीना होता और इस तरह से फजूल बातें. सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपनी एक्सरसाइज के अंदर पानी, उनकी बात किसी हद तक ठीक होती है, आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना होता बिकॉज उससे फिर आपसे गेम नहीं लग सकती, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकोगे. सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर एक्सरसाइज करते आपको प्यास लग रही है तो आप ऐसा नहीं है कि आपने पानी बिल्कुल नहीं पीना, आप 1-2 सिप लो, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुँह खुश होता है. ऑब्वियसली हम इतनी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको स्वेटिंग होती है, उसके अलावा आप एक काम कह रहे हो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला तो उसके अंदर आपको प्यास लगती है. तो 2-3-4 सिप लो अपनी एक्सरसाइज करो, टका के जो आपको थोड़ी बार दोबारा प्यास लगती है 2-3 सिप लो अपनी एक्सरसाइज करो. लेकिन उसके अलावा आपका थ्रू आउट द डे जब तक आप अपनी पानी की इनटेक ज़्यादा नहीं रखोगे तब तक आप अपने मसल को उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो नहीं करवा सकोगे. बिकॉज स्टेइंग हाइड्रेटेड विल हेल्प यू इन मसल रिकवरी एंड डाइजेशन प्रोसेस.
तो आप जितना ज़्यादा खाना भी खा रहे हो उसके अंदर भी आपको, अगर आपकी वाटर की इनटेक जो है वो आपकी ज़्यादा है, मतलब जैसा मैंने अभी आपको इससे पहले पॉइंट में बताया था कि आप कैलोरी सरप्लस में जाते हो, अपना खाना जो है वो बेहतर करते हो, उसके अंदर आप कैलोरीज के अंदर थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश करते हो पहले वीक से ज़्यादा, या आपने एक पहले गोल से ज़्यादा जो आपने अपना प्लान बनाया होता है, तो उसके अंदर ये होगा कि जिस तरह आप वो चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हो, आपको पानी की अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो आपकी डाइजेशन के अंदर भी हेल्प कर रही है, आपकी मेटाबॉलिज्म को आपको बहुत बेहतर कर रही है, प्लस जो उसकी मेन चीज़ है वो ये है कि ये आपको आपकी मसल रिकवरी के अंदर बहुत एक मेन पॉइंट होता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी होता है कि आपने एक दिन के अंदर 7 to 8 ग्लास जो होते हैं आपके वो आपने इंटेक रखनी होती है वाटर की, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने कैलोरी के सरप्लस में जा रहे हो, आप ज़्यादा खाना भी खा रहे हो, ज़्यादा बेहतर डाइट ले रहे हो, तो आपको पानी की इंटेक भी बाकी सबसे ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि आप अपने बॉडी का जो आपका गोल है आप उस चीज़ को अपने उस प्लान के अंदर अचीव कर सको। फोर्थ पॉइंट इज मोर स्लीप, बिकॉज आपकी बॉडी जो सी है उसको जितना ज़्यादा आप रेस्ट दोगे अपनी एक्सरसाइज के अलावा, अपनी डाइट के अलावा, पानी के इनटेक के अलावा, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बॉडी जो सी है वो उसको रिस्पॉन्स करती है और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट देती है। बिकॉज स्लीपिंग वो टाइम होता है आपका जिसके अंदर आपकी जो आपके जो मसल्स होते हैं उनकी रिकवरी होती है बहुत अच्छे तरीके से, तो जितना ज़्यादा आप अपने मसल्स को रेस्ट दोगे अपनी एक्सरसाइज के बाद, जितनी आप हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके बाद आपकी आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, तो आपको एक दिन के अंदर कम से कम भी आपको 7 से 9 घंटे की आपको जो है वो नींद चाहिए होती है आपकी बॉडी को। तो जो सी हमारी एक ये बन गई है आजकल की जनरेशन के अंदर कि हम लोग बहुत लेट सोने के आदि हो गए हैं, तो अगर आपने मसल्स को अचीव करना चाहते हो तो एक ये वाला पॉइंट ऐसा है जिसको आप कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप अपनी रात को जितना जल्दी आप सोओगे, जितनी बेहतर आप नींद लोगे, अच्छी नींद लोगे, और स्पेशली जब भी आप करते हो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते हो, और अगर आप शाम के टाइम भी वो एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ट्रेनिंग करने के बाद आके आपको थोड़ा सा आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप थके होते हो, तो आपको आके उस टाइम पर बहुत बेहतरीन नींद आती है, तो अपनी उस नींद को आप बहुत बेहतर तरीके से अपने मसल की रिकवरी के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कुछ ना कुछ जरूर आपको इससे सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपकी किसी ना किसी तरह से आप इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हो लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको उसके साथ साथ मिलती रहें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो ब्राउन साइंटिस्ट के नाम से ही, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।